Hey guys, Gizmodic here और आज हम करने वाले एक चार्जिंग टेस्ट Asus ROG Phone 3, Mi 10 और OnePlus 8 Pro के बीच में। ये सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं और अगर हम बैटरी साइज़ की बात करें तो ROG Phone 3 पे सबसे बड़ी बैटरी है जो कि है 6000 mAh की। उसके बाद अगर हम OnePlus 8 Pro की बात करें तो यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी है और Mi 10 पे तकरीबन 4800 mAh की बैटरी है। और अगर हम चार्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ROG Phone 3 पे आपको Asus का हाइपर चार्ज मिलता है जो 30 वॉट है, OnePlus पे वॉप चार्जिंग 30T है जो वंस अगेन 30 वॉट है, और Xiaomi के Mi 10 पे आपको अप टू 50 वॉट का चार्जिंग मिलता है। तो अब देखते हैं कि ये सारे फ़ोन्स कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे फ़ोन्स की बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर दी है, मैंने उनके रिस्पेक्टिव चार्जर्स जो उनके बॉक्स में आते हैं इंडिया में उनसे कनेक्ट किया है। मैंने यहाँ पे एक और फ़ोन एज अ टाइमर भी रखा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चार्जिंग टेस्ट शुरू करते हैं और मैं एवरी 15 मिनट्स आपको बैटरी की अपडेट्स देता रहूँगा। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद अगर आप बैटरीज देखते हो तो Mi 10 पे यहाँ पे कुछ 30% बैटरी हो गई है ऑलरेडी, OnePlus 8 Pro पे 32% बैटरी है, और अगर आप Asus ROG Phone 3 को देखोगे तो यहाँ पे 27% बैटरी है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की थी कि ROG Phone अपने आप ऑन हो गया था और मैंने ये सारे फ़ोन्स को ऑफ करके चार्जिंग टेस्ट किया है क्योंकि उसमें आपको बेस्ट चार्जिंग टाइम्स मिलता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ROG Phone 3 को भी ऑफ कर देने वाला हूँ ताकि ये पूरी जो टेस्टिंग है वो एकदम फेयर रहे। तो बेसिकली 15 मिनट के बाद आपने देख ली बैटरी परसेंटेजेस, अब हम देखते हैं कि 30 मिनट्स के बाद क्या होता है। तो अब 30 मिनट्स गुजर चुके हैं और अब Mi 10 पे बैटरी हो गई है 55%, OnePlus 8 Pro पे भी बैटरी है ऑलमोस्ट 55%, और आप देख सकते हो कि ROG Phone 3 जो है उस पर 49% बैटरी है। तो तकरीबन यहाँ पे आपको आधे घंटे के आसपास 50% बैटरी मिल जाएगी ये सारे फ़ोन्स पे, पर आपको ये नोटिस करना है कि ROG Phone 3 जो है वो 50% ऑफ 6000 mAh ऑफ बैटरी है। बाकी दोनों फ़ोन्स में छोटी बैटरी है तो उनका 55% और ROG Phone का 49% ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। चार्जिंग टेस्ट लेते वक्त मैंने कुछ टेम्परेचर्स भी नोट किए थे ये सारे फ़ोन्स के, तो एक बार चार्जिंग टेस्ट ख़त्म हो जाती है उसके बाद मैं आपसे टेम्परेचर्स की बात करूँगा। अब हम चार्जिंग टेस्ट चलने देते हैं और मिलते हैं 45 मिनट्स के बाद। तो 45 मिनट हो चुकी है बैटरी चार्जिंग टेस्ट शुरू करके और यहाँ पे अभी Mi 10 हो गया 82% पे, OnePlus 8 Pro हो गया 78% पे और ROG Phone 3 अब आ गया 72% पे। तो Mi 10 ने स्पीड पकड़ लिया चार्जिंग की, यहाँ पे OnePlus 8 Pro धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है और ROG Phone अभी भी काफ़ी अच्छी स्पीड से चार्ज होते जा रहा है।
उसके बाद मैंने बार बार बैटरी परसेंटेजेस चेक करते रहे और फाइनली मैंने देखा कि 57 मिनट्स जब पास हो गए थे तब मी 10 ऑलरेडी आ गया था 94% पे, फिर उसके बाद वन प्लस 8 प्रो आ गया था 90% पे और ROG फोन 3 आ गया था 83% पे। फाइनली जब 1 hour 5 minutes हो गए यानी कि 65 minutes हो गए थे उसके बाद मी 10 की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, इस फ़ोन की बैटरी 100% हो गई, तो अभी हम इसका चार्जर डिसकनेक्ट करके इसको साइड में रख देते हैं। तो मी 10 को 0 to 100% चार्ज होने में कुछ 1 hour 4 minutes लगे थे। ये टाइम पे वन प्लस 8 प्रो 96% पे था और ROG फ़ोन 3 91% पे था। उसके बाद मैं बैटरी चेक करते गया दोनों फ़ोन्स पे, फाइनली जब 1 hour 13 minutes हुए तब वन प्लस 8 प्रो की चार्जिंग ख़त्म हुई, तो बेसिकली इसको इतना टाइम लगा। अब आप दूसरे चार्जिंग टेस्ट देखोगे तो ये सारे फ़ोन्स के नंबर शायद 4-5 minutes से आगे पीछे हो, तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बट मेरे टेस्टिंग में वन प्लस 8 प्रो को तकरीबन 1 hour 10 minutes से 1 hour 13 minutes लगे थे। इस बार ROG फ़ोन 3 अभी भी 95% पे और यहाँ पे अब चार्जिंग की स्पीड एकदम स्लो हो गई है, तो हम देखते हैं कि ये फ़ोन फाइनली कब चार्ज होता है। तो फाइनली 1.5 घंटे के बाद ROG फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई है एंड आई थिंक कि 6000 mAh ऑफ बैटरी के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी चार्जिंग स्पीड ASUS ने दी है, क्योंकि ये फ़ोन इतनी फास्ट स्पीड पे चार्ज होता है, आई मीन 6000 mAh 1.5 घंटे में, तो उसी के लिए ASUS ने कुछ फीचर्स भी दिए हैं बैटरी हेल्थ के उसमें, जिसमें आप चार्जिंग स्लो डाउन कर सकते हो अगर आपको उतना फास्ट चार्जिंग नहीं चाहिए तो, और आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपकी बैटरी आपको कितने परसेंट तक चार्ज करनी है। आप 80, 90, 100% तक आराम से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 80% भी चार्ज करते हो तो वो 4800 mAh होती है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसी के लिए बैटरी हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी ASUS ने ऑप्शंस दिए हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। और चार्जिंग टेस्ट में सबसे पहले मी 10 ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद वन प्लस 8 प्रो और उसके बाद ASUS ROG फ़ोन 3। तो आपके थॉट्स मुझे कमेंट से बताना कि आपको कैसी लगी चार्जिंग टेस्ट, ASUS ROG फ़ोन 3 कैसा लगा चार्जिंग में। और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ASUS ROG फ़ोन 3 क्योंकि कॉन्स्टेंटली 30 W पे चार्ज हो रहा है, इतनी ज़्यादा स्पीड है इसकी चार्जिंग की, तो टेम्परेचर्स यहाँ पे डेफिनेटली हाई गए थे, एक पॉइंट पे 45-46 degrees तक चले गए थे। और ये क्या हुआ था कि फ़ोन की जो बैक है वो 42-43 के आसपास रहती है, पर ये जो साइड USB पोर्ट वाला एरिया है वो एरिया पे मुझे 45-46 degrees जो फ़ोन की साइड पैनल है वहाँ पे मुझे टेम्परेचर्स देखने मिले थे। अरे ज़्यादा टाइम तक नहीं थे, एंड में तो टेम्परेचर्स इसके भी 40 के आसपास आ गए थे, पर जब चार्जिंग स्पीड एकदम ज़्यादा थी फ़ोन की रेट ऑफ चार्जिंग, तब टेम्परेचर्स मुझे ज़्यादा देखने मिले थे, तो मैंने सोचा ये आपको मैं बता दूँ। बट नॉर्मली अगर आप बहुत फास्ट फ़ोन को चार्ज करते हो तो टेम्परेचर्स इतने हो सकते हैं। वन प्लस 8 प्रो और मी 10 पे मुझे 40 degrees के आसपास दिखने मिले थे, 40-41, बस इसी फ़ोन पे 45-46 तक गए थे, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। बट अभी के लिए यही थी मेरी चार्जिंग टेस्ट। आई थिंक ASUS ने अच्छा काम किया ROG फ़ोन 3 के साथ, बिकॉज 6000 mAh की बैटरी 1.5 घंटे में चार्ज करना उतना ईजी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये चार्जिंग टेस्ट अच्छी लगी हो, आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताना, और कुछ क्वेश्चंस भी ROG फ़ोन 3 के बारे में
तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियो अच्छा नहीं लगा दो बार डिसलाइक बटन दबा देना। पर अभी के लिए बस इतना ही, और जल्दी मैं आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊँगा। थैंक यू।